ताकि मेरी बात तू सुन ले मुझे, छोटा मोटा गुनाह हो जाए तो भंडा ले लो, अल्लाह मत करना भले हो जाए मगर नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, तो छोटा गुनाह बड़ा मोटा हो जाएगा। सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन और सामईन इकराम, आज मैं आपसे जो मुखातब हूँ उसका मकसद ज़ाहिर कर दूँ कि गुलशन चिश्त के तहत यानी हमारे इस चैनल के तहत आप तक जो पैगाम पहुंच रहा है तो खानकाह मौल्ला का जो दरसी प्रोग्राम है वो सिलसिलेवार अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शुरू होगा। तो फ़कीर तो इस लायक न था लेकिन गुलशन चिश्त के रूहे रवां मीरे कारवां सैयदी सरकार ग़ुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी इस फ़कीर को जो है इस लायक समझा के हुक्म फरमाया तो हम गुलशन चिश्त के तमाम टीम वर्कर बिलखसूस जो हमारे अहबाब मेरे करीब हैं, नाम न लूँ तो भी आप जानते हैं, तो उनके ज़रिए से ये बात तय पाई कि अब इस सिलसिले को ज़्यादा देर तक ना रोका जाए। जो हम बैठते थे मुलाकातें होती थी तो इस पर जो है काफ़ी देर तक जो है ख़यालात और तबसरे एक दूसरे के सुनने को मिले। तो जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक हर काम का वक्त मुतय्यन है और इमाम अहले सुन्नत ने फरमा भी दिया कि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो गालिबन नहीं बल्कि यकीन के साथ ये फ़कीर अर्ज़ करेगा कि गुलशन चिश्त के बैनर के तले ये इस काम का वक्त आ गया और अल्लाह ने कैसी करम नवाजी फरमाई कि हमारे प्रोग्रामात बनते रहे अभी तभी इस वक्त उस वक्त, लेकिन ये चलते चलते यहाँ तक आन पहुँचा कि हुजूर के मिलाद मुबारक का महीना आ गया। तो अब ये सिलसिला बेहम्दी ताला शुरू हुआ, लेकिन जैसा कि हुजूर बाबा कौम मिल्लत के नूर नज़र सरकार ग़ुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने ये फरमाया, आप जितने भी सिलसिले से वाबस्ता हैं वो हज़रात भी और जो सिलसिले से वाबस्ता हैं नहीं हैं वो भी उनके पैगाम को जो है सुन चुके, और आपने जैसे फरमाया तो उसी जुमले को जो है दोहराते हुए कि मुझे कोई बहुत बड़ा मुफक्किर मुदब्बिर कोई आलिम फ़ादिल ना समझे, मैं एक तिफ़ले मकतब हूँ, जो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से और इल्म के सरमाए के अतबार से ज़हन में डाल दी जाती हैं वो आप तक इल्का करना आप तक पहुंचाना इस आजिज़ व मिस्कीन का हिस्सा है। गुजारिश है सामीन और नादरीन से बिलखसूस तमाम मुहिब्बीन मोतकदीन मुरीदीन मुतवस्सिलीन जो हुजूर बाबा कौम मिल्लत से और बिलखसूस बाबा के नूर नज़र शहज़ादे अकीदत व मोहब्बत रखते हैं, कभी अगर किसी तरह की कोई बात नागवार गुज़रे दरमियानी गुफ्तगू, क्योंकि जब इस तरह का सिलसिला शुरू होता है तो बड़े नशेब व फराज़ आते हैं, तरह तरह की ज़हनियत के और समझ के लोग आते हैं, तो हर एक से ये फ़कीर अव्वल वक्त में गुजारिश करेगा कि जब भी ज़रा सा कुछ इस तरह का मामला हो जाए तो दरगुज़र अफ़ो माफ़ करना, ये अल्लाह तबारक व ताला को बेहद पसंद है, तो मुझ फ़कीर मिस्कीन को जो है माफ़ कर देंगे। और अगर कोई बात आपको जो है अच्छी लगे पसंद आ जाए तो यकीनन जो है उसे दूसरों तक पहुंचाना ये हमारा ये मिल्ली और इंसानी और इज्तिमाई बिरादराना ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरों तक पहुंचा दिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज जो टेक्नोलॉजी और बिलखसूस सोशल मीडिया के ज़रिए से हम दूसरों तक पहुंच जाते हैं, हमारी बातें पहुंच जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उन्हें समझ अता फरमाए जो बेहुदा लगव फवाहिशात बुरी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और हम उसमें
बिल्कुल हमातन गोश हो जाते हैं, मुनहमिक हो जाते हैं, इस कदर डूब जाते हैं कि हमें ये ख्याल भी नहीं होता कि हमारा अपना फ़र्द किया हुआ कौन सा काम छूट गया। लिहाजा गुजारिश है कि अब तो मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि लोग मौत से बिल्कुल गाफिल हैं, लेकिन ये फ़कीर आजीज व मिस्कीन ये समझता है कि मौत हर इंसान को सोचना चाहिए कि हमारे दाएं खड़ी है, बाएं खड़ी है, आगे है, पीछे है। जैसा कि मैं कहूं कि मुश्किल कुशा सईदी सरकार मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब अल्लाह के शेर हज़रत सैदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मौत को दूर बहुत मत समझो, मौत तुमसे इतना करीब है। आप सरकार ख़ुद फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब जब एक नमाज पढ़ लेता है तो ये गुमान करता है कि अगली नमाज का वक्त मिलेगा या नहीं, और ज़िंदगी की हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर, काश कि ये फ़ुकरा, काश कि ये जुमला हर मुहिब और मोतकिद के दिल पर जो है असर कर जाए कि हम नाम लेते हैं, उनको पुकारते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से। बेशक वो मुश्किल कुशा हैं और मुश्किल कुशाई फरमाते भी हैं, और जिन पर जो है मुश्किल कुशाई हुई है, कभी आप उनकी सोहबत में बैठें तो यकीनन बड़ा लुत्फ़ आएगा, बड़ा ज़ौक़ आएगा। अदीदान मोहतरम सामीन इकराम, यही है जिसको बाबा के नूर नज़र शहज़ादे सरकार अब्दुल हक रज़ी अल मौला ताला अन्हु जो है फरमाते हैं कि दरसे खानकाह अब वक्त आ गया कि अब ताखीर न की जाए, शुरू की जाए। तो यकीनन जहां से खानकाहों का सिलसिला है, वही फरमाते हैं कि लोगों याद रखो, अल्लाह तबारक व ताला अगर तुम्हें ये तौफीक दे दे कि तुम नमाज़ पढ़ो और ख़याल ये हो कि अल्लाह ये आखिरी नमाज है, तो जिस नमाज की चाशनी और लज्जत को तुम तलाश कर रहे हो, जब ये तसव्वुर कायम हो जाएगा कि ये मेरी नमाज आखिरी है, खुदा की कसम उस नमाज का हुस्न और उस नमाज की लज्जत बढ़ जाएगी। शर्त है कि ये दिल में ख्याल उतर जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो मौका दिया है, हो सकता है, मुमकिन है कि ये ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। और दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें, अगर मौत आनी है, बरहक आनी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मौत हमें मदीने पाक में अता फ़रमाए, हालत रोज़ा में अता फ़रमाए, बरोज़े जुमा अता फ़रमाए, और बवक्ते इफ्तार के, मरना तो जो है दुनिया से रोज़ा रख कर के हो और इफ्तार हुजूर के दीदार से हो। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला रब्बे ज़ुल जलाल परवरदिगार आलम इस गुलशन चिश्त के मीरे कारवां और राहनुमा सईदी सरकार ग़ुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती जो हुजूर के बाबा के नूर नज़र हैं, शहज़ादे हैं, इनका साया तादेर हम पर अल्लाह तबारक व ताला दराज फरमाए, और उनकी निगरानी में हमारे पूरी टीम को जो है हुस्न और अखलाक के साथ, ज़ौक़ के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला आपका हामी व नासिर हो, आप अपना भी और अपने जो है पास पड़ोस के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है हर शर और फसाद से महफूज फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।